अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। मेरा नाम मरकरी है, मैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड 6 और ग्रुप 12 में पाई जाती हूँ। मेरा सिंबल Hg है। मेरा ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल ग्रुप से है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखों में फर्क बयान कर सकें। तारुफ, इंट्रोडक्शन। वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है साइंस कहलाता है, जबकि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतालिक है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के करीबन हर पहलू का अहाता करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार सहूलियात फराहम की हैं। जरा तसव्वुर करें कि पेट्रोकेमिकल मसनूआत और अदवायात, साबुन और डिटर्जेंट, कागज और प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे और मुख्तलिफ अकसाम की कीड़े मार अदवायात का हमारी जिंदगी में कितना अहम मुकाम है। ये तमाम सहूलियात केमिस्ट की काविशों का समर है। बेशक इस साइंसी तरक्की के नुकसान भी हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की ने जहरीले मादे पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया है, जबकि दूसरी जानिब केमिस्ट्री हमारी सेहत और माहौल को बेहतर बनाने, कुदरती वसाइल को तलाश करने और इन्हें महफूज करने का इल्म और तरीके भी फ्राहम करती है। उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में काफी समझ आ गई होगी। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ग्लास इज एक्चुअली अ लिक्विड, इट जस्ट फ्लोज वेरी वेरी स्लोली। शीशा दरअसल एक माया है जो बहुत बहुत आहिस्ता से बहता है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीकों से अमल दखल रखती है। इसके मुख्तलिफ अहम रोल्स को समझने के लिए आइए पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शाखें, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये एक हकीकत है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। हम सब बाज ऐसे जिंदा अजसाम पर इन्हसार करते हैं जिन्हें अपनी बका के लिए पानी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। आज केमिस्ट्री जिंदगी के हर पहलू में वसी अमल दखल रखती है और दिन रात बनी नो इंसान की खिदमत कर रही है। केमिस्ट्री को दर्ज झेल अहम शाखों में तकसीम किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और इसके तबई खवास के माबैन ताल्लुक और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करती है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की शाख में एटम्स की साख्त, मॉलिक्यूल्स की तश्कील के अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज अमल, उन पर टेम्परेचर की तब्दीली और रेडिएशन के असरात का मुतालिया भी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन की कोवलेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और इनसे माखूज कंपाउंड्स के मुतालिया का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पाए जाने के अलावा लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट कुदरती और लेबोरेटरी में तैयार करदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साख और इनके खवास मुतय्यन करते हैं। केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अदवायात की सनतों का भी अहाता करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है, सिवाय इन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की ये शाख केमिकल इंडस्ट्री की हर शोबे, मसलन शीशा साजी, सीमेंट, सिरामिक्स और धात साजी यानी मेटलर्जी वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुतालिया करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इस शाख के तहत जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शंस का भी अहाता किया जाता है। मसलन जानदारों के जिस्म में मौजूद बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चिकनाइयों के सिंथेसिस और इन अशिया में होने वाला मेटाबॉलिज्म का अमल है। बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर उस वक्त वजूद में आई जब साइंसदानों ने इस चीज का मुतालिया शुरू किया कि जानदारों के अजसाम खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं और बीमारी के दौरान इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियां किस तरह रोनमा होती हैं। बायोकेमिस्ट्री के इत्तलात की मिसालें तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में आम मिलती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुतालिया किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके तहत
बाज बुनियादी केमिकल्स मसलन ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, छुरे या गंधक के तेजाब की सनती पैमाने पर पैदावार और इन केमिकल्स की दूसरी कई सनतों मसलन खाद, साबुन, टेक्सटाइल, जरी पैदावार, रंगो रोगन और कागज वगैरह के लिए बतौर खाम माल फ्राहमी वगैरह शामिल हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास के मुताले से ताल्लुक रखती हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। ये शाख बुनियादी तौर पर एटम की एनर्जी और इसके रोजमर्रा जिंदगी में मुफीद इस्तेमाल से ताल्लुक रखती है। केमिस्ट्री की शाख में जानवरों, पौधों और दूसरे मादों में रेडिएशन के जज्ब होने से पैदा होने वाली कीमियाई तब्दीलियों का मुताला भी किया जाता है। केमिस्ट्री की ये शाख तबी इलाज जैसे रेडियोथेरेपी, गिजा को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सनत में वसी इस्तेमाल होती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरे साइंसी अलूम मसलन बायोलॉजी, अर्जियात, माहौलियात, मिट्टी और पानी की केमिस्ट्री, रियाजी और इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक है। हमारे इर्द गिर्द माहौल में जारी केमिकल रिएक्शंस का इल्म और इसे बेहतर बनाने और आलूदगी से इसकी हिफाजत करने के लिए इसका मुताला बेहद जरूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमे दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, इनका तज्जिया और पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। कीमियाई अज्जा की अलहदगी नमूने की कैफियती लिहाज से क्वालिटेटिव और मकदारी लिहाज से क्वांटिटेटिव तज्जिया करने से पहले की जाती है। कैफियती लिहाज से तज्जिया दिए गए नमूने के अज्जाए तरकीबी और कीमियाई अनवाह की पहचान करने में मदद देता है। दूसरी जानिब मकदारी लिहाज से तज्जिया नमूने में मौजूद हर जुज की मकदार मुतय्यन करने के काम आता है। चुनाचे केमिस्ट्री इस शाख में तज्जिये के अमल में काम आने वाली मुख्तलिफ तकनीकों और आलात का मुताला किया जाता है। ये शाख हिजाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तज्जियात का अहाता करती है। उम्मीद है आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और इनके दरमियान फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी बहुत सी मिसालें भी देखते होंगे। आप इस वक्त भी अपने इर्द गिर्द बहुत सी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन द बॉडी। बायोकेमिस्ट्स मे स्टडी कैंसर सेल्स टू लर्न How to cure the disease. A biochemist might study viruses and bacteria to learn about infectious diseases. Biochemistry jism mein chemistry ka mutala hai. Biochemistry cancer ke khuliyon ka mutala karte hain taaki bimari ka ilaaj kar sake. Ek biochemist mutaddi bimariyon ke bare mein janne ke liye virus aur bacteria ka mutala karte hain. अब एक एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। आज मैं केमिस्ट्री क्या है इस पर बात करने जा रहा हूँ और क्या चीज केमिस्ट्री को बनाती है। केमिस्ट्री की 5 मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, बिल्कुल किसी सुपरमार्केट के डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह। मैं रोचेस्टर से हूँ, मैं इसके बारे में इस तरह सोचता हूँ, लेकिन तुम मेसीज और जेसी पैनी, हर डिपार्टमेंट अपने खास एरिया में महारत रखता है, लेकिन ये सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इस अंदाज से सोच सकते हो, इस किस्म की पूरी स्टोरी को चलाने के लिए मेरे ख्याल में केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल और बायोकेम है। ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं और खास एरिया में महारत रखती हैं। पहले ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। मेरे पास ऑर्गेनिक फूड की एक वसीत तस्वीर है। अगर आप गली में किसी भी शख्स से बात करें, पहली चीज वो कहेगा कि आप ऑर्गेनिक फूड के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि फूड इस हकीकत को पैदा करने का जिम्मेदार है, वहाँ कोई पेस्टिसाइड और केमिकल इस्तेमाल नहीं होते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक फूड दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्तलिफ ख्याल रखती है कि कार्बन रखने वाले कंपाउंड को इस एरिया में तरजीह दी जाती है। कार्बन रखने वाला मेरा पसंदीदा कंपाउंड कैफीन है, जिस पर मैं हर रोज इन्हिसार करता हूँ। लेकिन तुम देख सकते हो, हर एक काले दायरे में कार्बन का एटम है। कार्बन कुरा अर्ज पर पाया जाने वाला छठा एलिमेंट है। आने वाले सालों में आप इसका तामुल या अमल करने के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल ये मुख्तलिफ एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में दिलचस्पी रखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास तौर पर कार्बन रखने वाले कंपाउंड या जो हम ज्यादातर हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बहुत ज्यादा हैलोजन्स के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते तो सीख जाएंगे। ये न सिर्फ कार्बन के मॉलिक्यूल रखते हैं, ये नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। दरअसल मेटल्स हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हासिल करते हैं। अगर आप जनरल केमिस्ट्री या एपी केमिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं तो ये लेवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि
कि इसके मॉलिक्यूल्स सिर्फ कार्बन को रखते हैं और बगैर कार्बन के कंपाउंड इनऑर्गेनिक से ताल्लुक रखते हैं। इसका कुछ हिस्सा दुरुस्त है, लेकिन कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल का मरकज है। ताहम मेटल्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या किरदार अदा करती है? इस तस्वीर के दाएं जानिब हमारा कैडमियम सिलीनियम नैनो पार्टिकल है। कैडमियम और सिलीनियम दोनों मेटेलिक एलिमेंट हैं। नैनो पार्टिकल्स जो कि देखने में बहुत छोटे हैं, सोलर एनर्जी की कुछ रिसर्च मैंने देखी है। आप सोलर पैनल की प्लेट को देखें, ये एनर्जी को अपनी तरफ खींचकर इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करती है, जो हम यहाँ जमीन पर इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल पर क्या हो रहा होता है, ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम एनालाइट से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। अगर आपने कभी CSI या कोई फॉरेंसिक क्राइम का ड्रामा टीवी पर देखा हो, ये कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। वो DNA सैंपल क्राइम सीन से इकट्ठा करते हैं, वो हो सकता है इसका मुआयना करते हैं, कुछ किस्म का फाइबर या बाल क्राइम सीन से इकट्ठे करके इनका मुआयना करते हैं। ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अगर हम इसे क्वांटिटेटिवली देखें तो इसमें अदद इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसे क्वालिटेटिवली देखें तो सब्सटेंस की मुशाहदाती मालूमात इकट्ठी होती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इस किस्म के मुशाहदात में इस्तेमाल होती है। आप बाद में आने वाले सालों में देखेंगे, हम जो मौजू मुकम्मल करने जा रहे हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इसे रेडॉक्स कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तारुफी नाम है। यह बुनियादी तौर पर बैटरी की केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को यहाँ खत्म करते हैं। फहरिस्त में चौथी बायोकेमिस्ट्री है। ये आपको स्पेक्ट्रम की साइंस सोचने में मददगार हो सकती है। मेरा क्या मतलब है कि ये बड़े पैमाने की साइंस, जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसके बारे में सोचेगी। ठीक, यूनिवर्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, इस किस्म की तमाम चीजें जो कि यूनिवर्स में है और जमीन को बड़ा करके दिखाती हैं, तो ये अर्थ साइंस की ब्रांचेस जियोलॉजी मीट्रियोलॉजी में शामिल होती हैं। और आप इकोसिस्टम को देख रहे हो, ये बायोलॉजी में जा रहा है। यहाँ इस नुक्ते से हम बायोलॉजी को बड़ा करना शुरू करते हैं। दर हकीकत हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, और इस रीजन में स्पेक्ट्रम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान में आता है। हम वाकई बायोकेमिस्ट्री को देखें तो इसके DNA पॉलीपेप्टाइड को देखें, इसके न्यूक्लिक एसिड कैसे केमिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक में मुख्तलिफ 21 अमाइनो एसिड हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप करेंगे कि आप इससे मिलता हुआ W तलाश करें, जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि ट्रिप्टोफैन तुर्की में पाया जाता है, लेकिन इसके एक में 21 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट है। हम ऑक्सीजन देखते हैं, हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये तमाम मुख्तलिफ ज़िगज़ैग में देख सकते हैं। ये दर हकीकत कार्बन है, जो कि केमिस्ट्री की जड़ है, लेकिन ये बायोलॉजी के साथ ताल्लुक रखती है। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री हासिल होती है। आखिर में अगर बायोलॉजी को जूम करें और फिर केमिस्ट्री को, तो आप केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। और मजीद जूम करने से क्या नजर आ रहा है? हकीकत में फिजिकल केमिस्ट्री या PCHEM नजर आ रही है। कुछ लोग इसे फिजिकल केम कहते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है और थर्मोडायनामिक्स की चीजों के बारे में है, जिन्हें हमने मजबूत बुनियाद के साथ फिजिक्स में समझा है, फिजिकल केम है। ये एक आसान तरीका है कि कैसे एटम और चीजें एटम को कैसे हरकत देती हैं और कैसे टकराती हैं। मेरे पास इस तस्वीर में पोटेंशियल एनर्जी की डायग्राम है, जिसे हम बाद में सीखेंगे। हम दरअसल इसमें होने वाले तामुलात तामुल करके एक्टिवेटिव कम्प्लेक्स हरारत से बनाते हैं और कुछ किस्म की एनर्जी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। आप आने वाले सालों में इसके बारे में मजीद सीखेंगे। साल के शुरू में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। हम इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग, जैसा कि जानते हैं, इससे जंग भी कर सकते हैं। एटम के न्यूक्लियस की तरफ देखें, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। ये दर हकीकत फिजिकल केमिस्ट्री है। अब हम मुख्तसरन केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेम और फिजिकल केमिस्ट्री है। ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं।
ये पांच ब्रांचेस अपनी बहुत सी छोटी शाखें रखती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मददगार था। आइए पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप मिस मरकरी के साथ अपने लेक्चर को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं मुझे यानी मरकरी को थर्मामीटर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मरकरी वो वाहिद एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में चलती जाती है। इसलिए मरकरी के थर्मामीटर में इस्तेमाल से दर्जे हरारत में मामूली सी कमी का भी पता आराम से चल जाता है। मादा यानी मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो मैस रखती है और जगह घेरती है। हम केमिस्ट्री में मादा की तीन हालतों के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, माया और गैस। आइए इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ते और समझते हैं। बुनियादी तारीफें, बेसिक डेफिनेशंस। मादा यानी मैटर हर इस चीज को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। हमारे जिस्म और हमारे इर्द गिर्द फैली हुई तमाम चीजें मादे की मिसालें हैं। केमिस्ट्री में हम मादे की तीन इकसाम यानी ठोस, माया और गैस का मुताला करते हैं। मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए शय यानी सब्सटेंस कहलाता है। हर शय की एक मखसूस तरकीब और मुतय्यन खास होते हैं। दूसरी जानिब नाखालिस मादा मिक्सचर कहलाता है जो अपनी तरकीब के लिहाज से होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। हम जानते हैं कि हर मादे की तबई और कीमियाई खसूसियात होती हैं। ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत यानी फिजिकल स्टेट से मुतालिक हो तभी खसूसियात कहलाती हैं। इन खसूसियात में रंग, बू, जायका, सख्तपन, क्रिस्टल की शक्ल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह शामिल हैं। मिसाल के तौर पर जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है, और जब पानी को मजीद गर्म किया जाता है तो ये उबलकर भाप में तब्दील होता है। इस सारे अमल में पानी की तबीयी हालत तो तब्दील होती है लेकिन कीमियाई तरकीब वही रहती है। कीमियाई खसूसियात यानी केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्हिसार शय की तरकीब पर होता है। जब किसी शय में कीमियाई तब्दीली वाकई होती है तो उसकी तरकीब में भी तब्दीली आ जाती है और एक नई शय तश्कील पाती है। मिसाल के तौर पर पानी का अज्जा में तब्दील होना डीकम्पोजिशन एक कीमियाई तब्दीली है, क्योंकि इस अमल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा होती हैं। तमाम मादे या तो खालिस अशिया यानी सब्सटेंसेस होते हैं या फिर मिक्सचर। एक सवाल के बारे में सोचते हैं। इन सॉलिड इफ सम न्यू सॉलिड्स ऐड देन, अगर सॉलिड में न्यू सॉलिड फॉर्म ऐड की जाए तो क्या शक्ल बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल, सॉलिड रिमेन इन द सेम शेप, सॉलिड एक ही शक्ल में रहेगा। बेसिक डेफिनेशंस, आइए एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। जब मैं केमिस्ट्री के बारे में सोचती हूँ तो दर हकीकत मैं चीजों की मिक्सिंग और एक्सप्लोजन का सोचती हूँ। केमिस्ट्री हकीकत में स्टफ के बारे में है। जैसा कि स्टफ क्या है, क्या करता है और स्टफ में क्या मामला वाकई होता है, और एक स्टफ किसी दूसरे स्टफ से कैसे इंटरेक्ट करता है। अब स्टफ के लिए उम्दा लफ्ज मैटर है जो कि मैस और वॉल्यूम रखता है। चलिए इस बात को यकीनी बनाएं। मैस और वॉल्यूम क्या है? मैस किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की मिकदार है। हम इलेक्ट्रॉनिक या एनालॉग बैलेंस से मैस की मिकदार मालूम कर सकते हैं। टेक्निकली ये वेट को मालूम करता है। दरअसल ग्रेविटी मैस को पुल करती है। ये प्लांट अर्थ पर मैस मालूम करने का तेज तरीका है, और केमिस्ट्री में ज्यादातर लोग इस तरीके से मैस मालूम करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर स्पेस वॉल्यूम को मालूम करना है। आप इरेगुलर शेप के सॉलिड ऑब्जेक्ट के मैस से वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए वाटर डिस्प्लेसमेंट आसान तरीका है। मैटर को दो बुनियादी तौर पर कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, एक सब्सटेंस और दूसरी कैटेगरी सब्सटेंस का मिक्सचर है। अक्सर सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस की तरफ रेफर किया जाता है क्योंकि इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म और एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर ये कॉपर मेटल कॉपर से बनी हुई है, और इन कॉपर कॉइंस की खसूसियात एक जैसी हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनी हैं। वाटर एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस है, और वाटर भी एक जैसे कंपाउंड्स के मिलने से बनता है। कॉपर और गोल्ड आपस में बहुत मुशाहबत रखते हैं, और ये दोनों मैलेबल शाइनी यानी चमकदार मेटल्स हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी या कंडक्शन के बारे में बताती है। ये कंपोजिशन में तब्दीली के बगैर मालूम की जा सकती है। हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ सब्सटेंस को लिस्टेड करते हैं। इनमें रूम टेम्परेचर पर कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को डिग्री सेल्सियस में रखते हैं।
अगर आपको वाटर और एथेनॉल के दरमियान फर्क करने की जरूरत पड़े तो इस टेबल से मालूम होता है कि ये दोनों लिक्विड्स कलरलेस हैं। अगर आप इन्हें फ्रीजर में रख दें तो फ्रीजर का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर को फ्रीज करने के लिए काफी है, लेकिन ये टेम्परेचर एथेनॉल को फ्रीज करने के लिए काफी है। अगर इस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाए तो वाटर होगा, अगर फ्रीज ना हो तो एथेनॉल होगी। मैटर की स्टेट को समझने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। मैटर की 3 हालतें हैं, अगर हम देखें तो इनमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं। मैटर की एक और स्टेट प्लाज्मा भी है, जिसे मैं भूल गई थी, लेकिन अगली बार प्लाज्मा को नहीं भूलूंगी। सॉलिड की वाज़े शेप और वॉल्यूम होता है, जिसका मतलब ये है कि ये अपनी शेप को बरकरार रखता है। अगर सॉलिड में सॉलिड ऐड करें तो ये अपनी ओरिजिनल हालत को बरकरार रखता है। पार्टिकल्स सॉलिड बनाते हैं। पार्टिकल्स जो कि एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं तो इनकी हल्की सी हरकत भी सॉलिड की शेप को बरकरार रखती है, क्योंकि इनमें पहले ही पार्टिकल्स बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। लिक्विड की कोई वाज़े शेप नहीं होती, बल्कि इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, क्योंकि जब लिक्विड फ्लो करता है तो ये कंटेनर को भरकर अपना वॉल्यूम बरकरार करता है। लिक्विड की हरकत सॉलिड से तेज होती है और इनके पार्टिकल्स में स्पेस मौजूद होती है। लिक्विड पार्टिकल्स में ये खाली स्पेस इस लिक्विड को कंप्रेसिबल बना देती है, लेकिन अगर हम लिक्विड को हीट मुहैया करें तो लिक्विड पार्टिकल्स एक्सपेंड होकर अपनी हरकत को बढ़ा लेंगे। गैस में हायर एनर्जी होती है और इसके पार्टिकल्स की स्पेस एक दूसरे से काफी फासले पर होती है, ताहम ये कंटेनर की शेप और वॉल्यूम को बरकरार रख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि गैस किसी भी वॉल्यूम को भर सकती है और ये स्मॉलर वॉल्यूम को कंप्रेस कर सकती है। और वाइपर का लफ्ज बाज़ुकात गैस के मुतबादल इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ गैसेज रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में मौजूद होती हैं और बाज़ुकात सॉलिड और लिक्विड रूम टेम्परेचर पर गैस में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा जब वाटर इवेपोरेट करता है तो ये वाटर वेपर्स में तब्दील होता है, ना कि गैस के प्रोसेस में तब्दील होता है। वाटर इवेपोरेटिंग को फिजिकल चेंज भी समझा जाता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स खुद को तरतीब नहीं देते, बल्कि पार्टिकल्स तेजी से हरकत करते हैं। फिजिकल चेंज से मैटर को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। जब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल की इस कंपोजिशन को तब्दील करती हैं, इसकी फिजिकल तब्दीली पर असरअंदाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर ऑयल को मेल्ट, फ्रीज, क्रश्ड, कंडेंस, स्प्लिट, कट और ग्राइंड किया जा सकता है। ये तमाम तब्दीलियाँ फिजिकल हैं, ये तब्दीलियाँ केमिकल नहीं हैं। इनमें से कुछ तब्दीलियाँ रिवर्सिबल हैं और कुछ इरिवर्सिबल हैं। मेल्टिंग आइस, फ्रीजिंग वाटर और कंडेंसिंग वाटर वेपर्स रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल्स हैं। आप इन्हें टेम्परेचर की तब्दीली के साथ इनकी ओरिजिनल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, जबकि एग का तोड़ना, बालों का कटवाना और पेंसिल को तराशना इरिवर्सिबल तब्दीलियाँ हैं, क्योंकि आप इन्हें दोबारा पहले वाली हालत में नहीं ला सकते। चलें जरा पीछे जाते हैं, जहां मैटर को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया गया था। यहां हमें मिक्सचर को मजीद जानने की जरूरत है। मिक्सचर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स के मिक्सचर से वजूद में आता है। मिक्सचर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। होमो का मतलब है एक जैसे। होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म और स्मूथ होते हैं। मिसाल के तौर पर एयर स्टील या मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर की मिसालें हैं। हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ होता है, लिहाजा हेट्रोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होते। दर हकीकत या स्पॉटेड या चंकी इस ग्रेनाइट की तरह होते हैं और आसानी से मिक्स नहीं होते, जैसा कि ऑयल। और सलाद ड्रेसिंग पर वाटर एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर की एक फेज है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर 2 या 2 से ज्यादा फेजेस देखी जा सकती हैं। हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने के बहुत से तरीके हैं, जैसा कि मेटल्स के लिए मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है। फिल्ट्रेशन एक फाइन पेपर की मदद से लार्जर पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है। एवेपोरेशन वाटर को बॉइल करने से होती है। क्रोमैटोग्राफी से डाई को सेपरेट किया जाता है। फ्लोटिंग से सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूज से डेंसर सब्सटेंस को इकट्ठा किया जाता है। और सीव से बड़े ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया जाता है। चलिए फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन के प्रोसेस को करीब से देखते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड से सेपरेट किए जाते हैं। इसमें फिल्टर भी होना चाहिए या एक फनल जिसमें फिल्टर पेपर मौजूद हो और एक बीकर जिसमें सॉल्यूशन को इकट्ठा किया जाता है। आप इसे वाटर या सैंड या किसी दूसरे सॉलिड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिक्विड डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है या लिक्विड बॉइल होकर वेपर्स बनाता है और इस पेपर से कंडेंस पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। अल्कोहल अपनी प्योर फॉर्म में कैसे मौजूद रहती है? अल्कोहल वाटर से कम टेम्परेचर पर बॉइल होती है, लिहाजा मिक्सचर को हीट दी जाती है, इसलिए अल्कोहल वेपराइज हो जाती है, लेकिन वाटर वेपराइज नहीं होता। अल्कोहल को खास ट्यूब के जरिए कंडेंस किया जाता है और इसको कूल करने के लिए
इसमें से वाटर गुजारा जाता है और ट्यूब के एंड से अल्कोहल को इकट्ठा किया जाता है। चलिए अब जरा पीछे सब्सटेंस की तरफ एक लम्हे के लिए जाते हैं। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, इनमें एलिमेंट और कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट मैटर की सिंपल फॉर्म है और ये यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। एलिमेंट एक एटम या एक जैसे एलिमेंट्स की बॉन्डिंग से बनता है। कंपाउंड भी सब्सटेंस है। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनते हैं जो कि केमिकली एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के मिलाप से बनते हैं। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम के मिलने से बनता है। ये पिक्चर मिक्सचर के दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जाहिर करती है। आप इन एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें मैटर को मुख्तलिफ कंपोजिशन से बनाया जाता है और ओरिजिनल मैटर में एटम दोबारा तरतीब हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर का जलकर फैल जाना केमिकल चेंज है जो कि शुगर को तोड़कर ब्लैक कार्बन में तब्दील कर देता है और पानी मिलाने से ये स्वीट और स्वीट कार्बन में तब्दील हो जाएगी और ये टेस्ट बेजायका वेपर कंपाउंड्स को कंपोनेंट्स और एलिमेंट से मुख्तलिफ साबित करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम वाटर में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव केमिकल है। क्लोरीन गैस टॉक्सिक है जो कि आपको खत्म कर सकती है, लेकिन क्लोरीन सोडियम के साथ मिलकर टेबल सॉल्ट बनाती है। टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड ना सिर्फ महफूज सॉल्ट है बल्कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी है। चलिए इन सब को मैटर फ्लो चार्ट में इकट्ठा करते हैं। मैटर को सब्सटेंस और मिक्सचर में तकसीम किया जाता है और सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में तकसीम किया जाता है। मिक्सचर को होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर में तकसीम किया जाता है। मिक्सचर की अकसाम सब्सटेंस से फिजिकली सेपरेटेड है। कंपाउंड्स एलिमेंट से केमिकली सेपरेटेड हो सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर, फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू वाटर वी ड्रिंक इवन आवर ओन बॉडीज। हमारे इर्द गिर्द की हर चीज मादा से बनी है। हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारा अपना जिस्म भी मादा से बना है। आइए एक एजुकेशनल गेम से समझते हैं। उम्मीद है आपने आज का लेक्चर खूब इंजॉय किया होगा। आप मिस मरकरी को इजाजत दें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।